होटल मैरियट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और टीकाराम जूली इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी मौजूद रहे। विधायक रफीक खान, विधायक हाकम अली, भीमराज भाटी, रामकेश मीणा, गणेश घोघरा समेत कई विधायकों ने बैठक में शिरकत की। होटल मैरियट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज हुई है। बैठक संपन्न हो चुकी है। होटल मैरिट में कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी रही। बड़ी तादाद में विधायक इस बैठक में शामिल हुए। इसमें खास तौर से सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी रही। और चलिए ऐसे ही जरूर करते हैं, सहयोगी दिनेश डांगिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, होटल मैरियट में अहम थी ये बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, क्या हाइलाइट्स रहे इस बैठक को लेकर, वो जानकारी चाहेंगे। और क्या बैठक संपन्न हो चुकी है, क्या विधायक वहां से रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल श्वेता जी, बैठक समाप्त हो चुकी है और करीब 2.25 घंटे बैठक चली। टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई उपयोगी सुझाव है वो विधायकों की तरफ से दिए गए। तमाम जो टॉप लीडर्स हैं, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, गौरव डोटासरा, टीकाराम जूली और सुखजिंदर रंधावा ने पहले अपना स्पीच यहाँ पर दिया, किस तरह एकजुट रहना है, किस तरह मुद्दे उठाने। और उसके बाद 5 जो सीनियर्स विधायक हैं, रिमोन शर्मा, जुबेर खान और नरेंद्र बुड़ानिया, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। हमारे साथ खुद टीकाराम जूली है जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सर, किस तरह के सुझाव आए हैं, सदन में किस तरह सरकार को घेरा जाए? देखिए, आज जिस प्रकार से सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, जैसे भादरा का मामला है, ये भी हमने आज विधायक दल की बैठक में इसको उठाया है। या हमारी शैडो कैबिनेट बनेगी, या जो हमारी योजनाओं को ये लोग बंद कर रहे हैं, और किस प्रकार से एक विधायक अपनी बात को अच्छे से विधानसभा के अंदर रख सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको लेके भी प्रशिक्षण विधायकों को दिया है। जो हमारे सीनियर विधायक हैं, चाहे वो धारीवाल जी हैं, नरेंद्र बुड़ानिया जी हैं, राजेंद्र पारिक जी हैं, हरिमोहन शर्मा जी हैं, जुबेर खान जी हैं, ऐसे जो हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं, इन सब के भी हमने जो अनुभव हैं वो यहाँ पे साझा किए हैं और उसका मैं समझता हूँ विधायकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दो चीज़ें श्वेता जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक तो जो भादरा नगर पालिका अध्यक्ष का उपचुनाव हुआ है उसको लेकर काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि एन वक्त पर निर्वाचन अधिकारी छुट्टी पर चले गए और उसके बाद चुनाव स्थगित हो गया। तो कल जब बजट पेश किया जाएगा भजनलाल सरकार का, तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है ये। और इसके अलावा मजबूती से और कौन कौन से मुद्दे उठाने, वो भी यहाँ पर बात हुई। एकजुटता के साथ रहना, तथ्यों और सबूतों के साथ रहना। तो 2.25 घंटे करीब ये बैठक चली। हालांकि कई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो तबीयत नासाज होने के चलते नहीं आए। कुछ विधायक इस बैठक में वो भी यहाँ पर नहीं आए। लगभग अधिकतर विधायक, 68 पार्टी के कांग्रेस के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। और अब दूसरा प्रोग्राम है वो शुरू होने जा रहा है, जो नवनिर्वाचित पार्लियामेंट के MP है उनका यहाँ पर PCC की तरफ से सम्मान समारोह है, वो एक कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। तो सदन में अब सरकार को कैसे घेरा जाए, कल पहले देखा जाएगा कि बजट किस तरह का पेश किया जाता है और किन मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन विरोध सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा, ये इस विधायक दल की बैठक में एक रणनीति का खाका है, वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। शांति धारीवाल ने भी कई उपयोगी सुझाव दिए, क्योंकि पहले वो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तो किस तरह नियमों के तहत सदन की जो कार्रवाई चलती है नियमों से, उस पुस्तिका के जरिए हर मुद्दे पर यहाँ पर घेरना। और संख्या बल के हिसाब से 68 कांग्रेस के विधायक हैं, तो हर दिन एक मुद्दा अगर उठाया जाए तो एक प्रेशर डेवलप यहां पर सदन के भीतर किया जा सकता है। और यह भी चर्चा हुई कि कई पहली बार मंत्री बने, तैयारी करके नहीं आ रहे, तो एक अच्छा मौका है और उस मौके को भुनाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस